आप देख रहे हो मैं ऐसी हालत में हूँ क्योंकि ये कलर नहीं जा रहा है और मम्मी भी नहा हुआ के फ्रेश हो गई ना मम्मी। हाँ। तो मम्मी आते के साथ संदेशा दिखा रही है तो ये हम दोनों बहन के लिए है ना, बुग्गू के तासु। अच्छा तासु मेरी बड़ी बहन के घर, मतलब मेरी मम्मी हर एक चीज लाती है। सोचो आप, ये बेडशीट है जो उधर बहुत अच्छा मिलता है और ये हमारा बेडशीट है जो गंदा होगा तो हम लोग को पता नहीं चलेगा ना मम्मी। तो ये बेडशीट अपना है और ये मेरी बड़ी बहन का आया है, ये मेरे लिए आया है। सोचो मम्मी सब चीजें, अभी जो मैं बिछाई हूँ ना ये भी मम्मी ही दी है। तो मम्मी जब आती है ना तो बेडशीट वगैरह सब दे देती है, माँ ही होती है ना, क्या करोगे। और ये बुग्गू का कपड़ा है, बुग्गू का है, पिंकी पिंकी, वाह। ये मेरी 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 दीदी की बेटी का लिए कपड़ा है, ये तासु का है। और ये मेरे दीदी के बेटे के लिए कपड़ा है और ये मेरी मेरे बेटा के लिए कपड़ा है। तो तीनों नाती नतनी के लिए कपड़ा है। अच्छा एकदम सॉफ्ट है मम्मी, छोटा देखा हमको भी वही लग रहा, छोटा तो नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं होगा। तो ये बुग्गू को मस्त है, एकदम भारी है कपड़ा, अच्छा है एकदम। तो ये कपड़ा कहाँ से आता है ना, जैसे हम छोटा में जहाँ से लेते थे ना मेरे पापा हजारीबाग से, तो वहाँ से ही मम्मी लेके आई है। जहाँ से हम छोटा में लेते थे वहाँ से ही कपड़ा अभी तक हमारा वहीं से मतलब खरीदाता है। तो ये सब है और हमारे और भी दिखाऊंगी क्या क्या संदेश आया है मायके से। तो अब वो घर में है खाने पीने का, तो कपड़ा सिर्फ बच्चों लोग के लिए आया था, ठीक है, क्योंकि नाती नतनी को चाहिए ना बुग्गू। हाँ बुग्गू तो मेरा पप्पी दे दे, उसको लग रहा चोट लगा। हाँ। तो चलो हम दिखाते हैं थोड़े टाइम में। और यहाँ पे लड़ाई हो रहा है ना, माहिर सोया है मम्मी के पास और ये रो रहा है कि नानी हमको सुलाओ। अच्छा जा 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 मामा भगाओ, जा मामा भाग जाएगा, भगाओ भगाओ भगाओ। मम्मी भी कम नहीं है, इधर है बुतरू है 20 साल का, उड़ो क्या करेगा, 30 साल का कि 40 साल का, 18 साल। ए बुतरू उठो, आजा आजा। 18 साल का होने वाला बुड्ढा ये, ए कॉपी पेस्ट आ जाएगा, चुप। गाना नहीं गाते, आ जाओ बुग्गू, ना भगाओ भगाओ मामा को भगाओ भगाओ, आ जाओ देखना, ए मारो नहीं भगाओ, प्यार से प्यार से प्यार से, आ जाओ भाग रहा। रोज लड़ाई होता है, नानी मेरे पास रहेगी अब, भाई बोलता मम्मी मेरे पास रहेगी। अरे ये आपको इतना बड़ा भाई देख रहे हो ना, कितना बड़ा है देखो, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है बेटा। बाल बच्चा माँ के सामने बच्चे होता है, हम भी आ जाते इधर सुने, तुम दब जाएगी फिर बाल बच्चा से अपना। सोचो हमारा कपड़ा देखो और मेरा बुग्गू देखो, धीरे धीरे देख, बुग्गू कन्हैया बना था। नानी का ही बोतल चाहिए, सब नानी का, जब से नानी आई है मम्मी पापा को भूल गया है, सिर्फ नानी सिर्फ नानी। अब उसमें क्या करेगा, उसमें पानी डालेगा, कुछ नहीं करो कुछ नहीं करो, नो मम्मी है ना वो उसको आज मैं बताती हूँ कि हमारा खोटा भाषा कैसा होता है। जब मम्मी बोलो क्या क्या संदेशा लाई है मम्मी, नीमकी बिस्किट मिक्सर अरसा रोटी। अरसा रोटी क्या होता दिखा दो लोगों को, चुहाव जो होता है, चुहाव अरसा रोटी, अरसा रोटी जो मेरे हस्बैंड जी के दामाद के लिए आया ना मम्मी। हाँ। इनका दामाद जी को बहुत पसंद आया था ये रोटी, ये चुहाव क्या चीज से बनता है, चीनी है चावल है, एकरे से बनो है, एकरे से खाए। देखो मैं हमारा नतीवा बड़ी बदमाश है, नतीवा बड़ी बदमाश है, बेटा उतना मत खाओ, बेटा उतना बड़ा बड़ा मत दो मम्मी, एसिडिटी हो जाएगा बेटा, बहुत ऑयली रहता है ना। ये मेरी छोटी वाली कौन बना दिया है, हमारी छोटकी भौजैया, मतलब मेरी छोटी मामी है ना वो ज्यादा जानती है सब चीज बनाने के लिए। पहले पहले में जो बनते थे ना तो वो सब ज्यादा मेरी छोटी मामी जानती है। ये सब रेडीमेड है, ये सब रेडीमेड है, सत्तू देख सकते हो, सत्तू है, बिस्किट है और निमकी है, बस छोड़ दो ऐसे ही रहने दो, ये सब तो हर जगह मिलता है।
तो निमकी वगैरह इधर नहीं मिलता, जो मुंबई में नहीं मिलता वही चीज मम्मी लेके आई है। हाँ। तो ये पूरा एक थैली ऐसे खाने का सामान था ना मम्मी। बेटी घर एलिया कटी बम्बई देखेल, कितना बार देखती गई, कहाँ जाएगी घूमने के लिए? सलमान के घर, शाहरुख घर, मतलब वही लाइन मम जी भाई वही लाइन। कितना बार गई है? हाँ, 3-4 बार गए लिए, लेकिन फिर भी जाए भाई, हमारा अच्छा लगे। सलमान खान के घर चाय पीने जाएगी? हाँ, नहीं भेलू तो देव। बोलना गेड़ा बस्ती से आए हैं। मेरा नानी घर है ना वो बबोदर है, मतलब कि गेड़ा, वहाँ बस्ती का नाम है गेड़ा, इसलिए मैंने गेड़ा बस्ती बोला। बाकी हमारा जो दादी घर है वो हजारीबाग है। मेरी मम्मी एकदम गांव की है, उसको आता है खोटा भाषा बोलने, लेकिन मेरी मम्मी ना हम लोग के सामने कभी ये सब लैंग्वेज में बात नहीं की है, है ना मम्मी? कहीं नानी से हल्का सा बात करती थी ना। वो भी कहाँ बोलती है, हिंदी में ही बोलती है कभी कभी। नहीं मैं ऐसा नहीं बोलती, कितना झूठ बोल रही है तुम। हम तो कभी नहीं सुने सब चीज, क्योंकि मेरी जो मामी लोग है वो लोग का बोलते शहर की है, मतलब हजारीबाग की है। कभी छोटी वाली मामी है वो गांव की, तो उनसे मम्मी थोड़ा सा बात कर लेती ना मम्मी। और बताओ मुंबई में कैसा लग रहा है? बस क्या काम करती हो तुम, ऑफिस में काम करती हो? ऑफिस में ड्यूटी कर रही है पियून के। कमाती है ना अच्छे से? कमा रही है, पर पेट भरे भर, बस बाल बच्चा देख लेते एक नजर कर रही है। एक बेटा को मार है, ऊपर शादी ब्याह, घर ना है, घर बने गए, जगह जमीन लग गए, बस तबीयत खराब हो गया। वाह मम्मी तू कितना बढ़िया बोल रही है। गुड गुड मम्मी, गुड 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 गुड। गाँव घर के ही अपना बोल पाऊंगी की गवा जैसा लगा कि नहीं? पूरा ये तो रोते रहता पेन पे ना आ गया। रोबी तू सैमा मारे नानी कैसे बोल रही ना बेटा, सोच रहा नानी क्या बोल रही है। छोड़ दिया मेरा बुग्गू, छोड़ दिया। देखो ठीक होता, ठीक है तो ब्लॉग को इन करते हैं। आई होप आप लोग का ब्लॉग अच्छा, तो बोल दो मम्मी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरी बेटी का। लाइक दीजिएगा, मेरे बेटी को एकदम आगे बढ़ाइए, आप लोग का दुआ है बस। चलो बाय बाय।